पे सास एसआर वर्सेस बावरी इलेवन, यानी कि दमन वर्सेस दमन, ये बड़ी दमन ये छोटी दमन, यहाँ पे देखना होगा कौन जीतता है ये मैच, यहाँ पे देखना होगा। नौ बॉल का इशारा, ये फील्ड रहेगी, लगता है साइड नहीं मांगा गेंदबाज ने, ये फ्री हिट रहेगी। इस टूर्नामेंट का निर्णय है कि जो बॉल नौ बॉल जाएगी ये फ्री हिट रहेगी। यहां पे लंबी हिट देखना होगा, यहां पे ये तो फ्री हिट है उसका भी मालूम है। यहाँ पे बारहवीं का बारहवा खिलाड़ी के नंबर में कमरेज में संपर्क करें, इसके नाम इधर मालूम नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यूट्यूब पे ऊपर लाइव चल रहा है, यहाँ पे अपना अजय भाई उपस्थित हुआ है इधर कमेंट बॉक्स में, स्पॉन्सर है हमारा अजय भाई टंडल माची, कट किया है देखना होगा। एक रन आए इस बॉल से, यहाँ पे बारवा खिलाड़ी का नंबर भी तो है अपना बावरी का, संपर्क कर कमेंट बॉक्स में, कुछ स्कोर में कुछ होएगा तो हम जिम्मेदार नहीं लेंगे। यहाँ पे देखना होगा, स्ट्राइक पे जो है चेतन, यार नॉन स्ट्राइक पे जो धर्मेश, यानी पहले बल्ले बाजी की धर्मेश ने, अपना स्कोर बना चुके हैं 43 रन पहले जो मैच खेली है उसमें, छक्के की बारिश किस उसने की है। अकेले ने 43 का रन बनाया है पहले मैच में, अभी अपना चेतन ने खेल दिया है, देखना होगा कितने रन आते हैं। यहाँ पे दौड़ पड़े, इशारा इशारा में रन आ रहे हैं, इंटरनेशनल में जो मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका, अमेरिका ने हर वाइड पे दो रन एक रन लिए थे, ऐसा हो रहा इधर। अंपायर को निवेदन है अपना जल्द से जल्द शुरुआत करें, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता रहेगा भाई, जल्द से जल्द शुरुआत करें, ऐसा करेगा तो भाई दूसरी आने वाली टीमों को नुकसान हो सकता है। डेड बॉल किया लगता है, शायद डेड बॉल किया ना, एम्पायर का इशारा, दो रन दो रन दो रन, यहां पे सावर की पांचवी गेंद, यहाँ पे कट किया है देखना होगा, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई है सीमा के बाहर चार रन के लिए।
पे जल्द से जल्द स्पिनिंग सजावट करें। ऋषि आया है बॉलिंग के बाहर संभलते हुए। यहाँ पे स्ट्राइक पे है धर्मेश, आखिर बाद बल्लेबाज है। यहाँ पे प्लूटोस कैन एक साइड पे जाती हुई, यहाँ पे दौड़ पड़ने के आई गई है तारामंडल में गेंद। चेतन ने खेल दिया तारामंडल में गेंद। ये पहले दोनों बल्लेबाज खेलते थे, आक्रमण बल्लेबाज किए उस उन दोनों बल्लेबाजों ने। दो हजार का नकद पुरस्कार दिया है, कमेंट बॉक्स में जमा है, जो जीतेगा तो एसआर 11 अपना कोच जो है उसने स्पॉन्सर किया 2000 का नकद पुरस्कार। यहाँ पे चेतन ने छक्का लगाया, देखना होगा पुल्टोस गेंद। यहाँ पे LBW नकार किया अंपायर ने, क्योंकि इधर LBW का कुछ है, कुछ फैसला है नहीं, क्योंकि फुलटॉस गेंद तारा मंडल में गेंद। मैं पहले ही बोल चुका हूं ये दोनों बल्लेबाज, और जो मैच हुआ है उसमें बल्लेबाजी की चार के हो चुके हैं 25 ओवर की, और व्हाट 24 रन बल्लेबाजी की टिका हुआ होगा तो रन की बारिश होगी। जो एसआर का कोच ने स्पॉन्सर किया है 2100 का, 2100 जीतेगा तो एसआर 11। यहाँ पे काफी बाहर बॉल, अंपायर द्वारा वाइड का इशारा, एक रन का इस्तीफा। यहाँ पे फुलटॉस गेंद, ये भी तारा मंडल में 6 रन के लिए। देखना होगा कितने रन आते हैं, एक ही रन। ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर बना 33 रन, काफी महंगे साबित हुए। अभी भी क्रीज पे टिका हुआ है दोनों बल्लेबाज चेतन और धर्मेश। स्ट्राइक पे है धर्मेश, यहां पे बॉलिंग का बाहर संभाल आए क्रिस। यहां पे आया है क्रिस 1 या 2, देखना होगा लास्ट ओवर रहेगी। स्ट्राइक पे है धर्मेश, छोटा कद का बल्लेबाज तूफानी।
यहाँ पे मैं पहले बोल चुका हूं, ये भी लगता है तारामंडल में गिन जाती हुई छेरन। क्या हो रहा है, छह पे छह लगाते हुए जा रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज जो कर रहा है आक्रमण, बल्लेबाज सीधा तारामंडल में गेंद जा रही, सब यहाँ पे काट किया है आउट के सारा अंपायर द्वारा, लेकिन अपना काम करके गए हैं। चेतन देखना होगा, इसे दो गेंद बची सवर की, यहाँ पे लेग साइड पे खेलने चाहते, उसको भी मालूम है लेग साइड पे छक्का जा रहा है, क्योंकि लगा चुका पहले छक्का लेग साइड पे, सॉरी चार गेंद, दो गेंद निशेष बची सवर की। बाहर बॉल देखना होगा अंपायर द्वारा, आउट आउट का इशारा, लगता है कट होके गई गेंद। प्रेम आया है नया बल्लेबाज, काफी हाइट पे गई लेकिन एक रन से रोक नहीं पाएंगे क्योंकि हाथ से ले रहे हैं रन बावड़ी के बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति, स्कोर बना 41 और लक्ष्य 42 का, 18 बॉल मार हुए 42 रन। यहाँ पे फील्डिंग की जल्द से जल्द सजावट करें, बावड़ी को निवेदन है जल्द से जल्द आए फील्डिंग पे। फील्डिंग के सजावट कर जल्द से जल्द, बावड़ी का कप्तान का निवेदन है।
पे बावड़ी को नहीं बदल रहे, जल्द से जल्द के फील्डिंग की सजावट करें। लक्ष्य 42 का, यहाँ पे अपने पास टाइम बहुत कम है, उसके बाद खेली जाएगी मैच, बाकी है। खारीवार को निवेदन है और जलपुर वार्ड चौकी को निवेदन है, अपना अपना कप्तान को कमर में संपर्क करें। खारीवार वर्सेस वार्ड चौकी को निवेदन है, अपना कप्तान कमर में संपर्क करें। निवेदन है जल्द से जल्द मैच की शुरुआत करें। कार्तिक और विशाल एम्पायरिंग के बाहर संभालते हुए, ये मैच 3 ओवर का रहेगा, उसके माल में सभी प्लेयर को ₹18 ball lead 42 runs स्कोर है, 42 का लक्ष्य है। यहाँ पे बॉलिंग के बाहर संभल आ रहे चेतन, काफी बल्लेबाजी भी की है उसने बारी की ओर से, मानना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को, बावरी को, चेतन और धर्मेश। बावरी को निवेदन है अपना 12वां खिलाड़ी कमरेज में संपर्क करें। यहाँ पे पावर प्ले नहीं रहेगी क्योंकि 3 ओवर का मैच है, जल्द से जल्द शुरुआत करें। स्ट्राइक पे है मनोज, बॉल फुलटोस, एम्पायर द्वारा वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन से खाता खोला है अपना अकाउंट का, एक्स्ट्रा के रन के मदद से 1 रन वाइड के रूप में। इस ओवर की पहली गेंद, सामना करेंगे मनोज, हीट लगाने जाते हैं, कुछ को भी मालूम है लेग साइड में छक्का जा रहा है, इसी हिसाब से खेल रहा है वो, लेकिन संभाल नहीं पाए गेंद को। इतनी अच्छी चेतन द्वारा बॉलिंग, लग से 42 का, छोटी दमन वर्सेस बड़ी दमन। इस ओवर की दूसरी गेंद, यहाँ पे देखना होगा, फील्डर के हाथ में गई, यहाँ पे अच्छी कैच, यहाँ पे खारीवार बी को नंबर विनंत कमर पर संपर्क करें। खारीवार बी जल्द से जल्द कप्तान करें, संपर्क करें क्योंकि वार्ड चौकी के कप्तान आ चुके इधर। यहाँ पे दूसरी गेंद पे विकेट जड़ दिया चेतन ने, पहले गेंद वाइट, स्थान लेने आ रहे वरुण, ये भी बल्लेबाज आक्रमण बल्लेबाज है एसआर की ओर से। ये पहला टूर्नामेंट जो है नाइट खेल रहा है, थोड़ी सी मिस हुई है कीपर द्वारा, लेकिन रन आसानी के साथ पूरे किए। पे थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट करते हुए धर्मेश, सो मालूम है किधर कौन खेलता है क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। 3 गेंद 2 रन,
गेंद हो चुकी है इस ओवर की, अभी 3 गेंद बची इस ओवर में, देखना होगा। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार चेतन, यहां पे खेल दिया, लगता है सीमा रेखा बाहर जाती हुई। 6 रन के लिए टाई लगाया था लेकिन धर्मेश ने, लेकिन कंट्रोल की तरह छक्का लगाया है, लेफ्ट एंड बैट्समैन है, अभी बाहर भेजी गेंद को। इस ओवर की पांचवी गेंद, फुल टॉस गेंद, यहां पे कितने रन आते हैं देखना होगा। 1 रन तो चुरा लिए, लेकिन 2 की मांग थी, लेकिन मना किया क्रिस ने, क्योंकि उसके भी मालूम है लक्ष्य है 42 का, जब पीछा करना है 42 का तो आराम से खेले। इस ओवर की लास्ट गेंद, यहां पे गेंद गई है सेकंड विकेट के हाथ में, लेकिन रन आउट का चांस था, लेकिन आसानी के साथ पूरे किए। ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ 10 रन, स्कोर बनाने होंगे 42 का लक्ष्य है, अभी लक्ष्य बड़ा है, लेकिन इस ग्राउंड में कुछ कहा नहीं जाता है, जब तक मैच खत्म नहीं हुई तब तक कुछ नहीं कहा जाता है, क्योंकि ग्राउंड ही ऐसा है। बॉलिंग का पार संभालने आए प्रवीण, चेतन की जगह पे आया प्रवीण, ये अपनी टीम के लिए क्या कर सकता है देखना होगा। लक्ष्य 42 का, यहां पे इतनी अच्छी बॉलिंग, पहली गेंद पे कोई रह नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथ में गई थी, लेकिन विकेट स्वरूप सी आउटस्टैंडिंग हुई है, लेकिन कोई रह नहीं। यहां पे लेग साइड पे खेल दिया, सीमा रेखा बाहर जाती हुई, तारामंडल में गेंद, 6 रन। जड़ दिया तीसरी गेंद, यहां पे गई है ऊपर, देखना होगा ये कैच होती कि नहीं, यहां पे ड्रॉप कैच हुई है, लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। यहां पे 3 गेंद हो चुकी है, अभी भी 3 गेंद बाकी है, यहां पे जल्द से स्टार्ट करें। इस ओवर की चौथी गेंद, यहां पे काफी बाहर बॉल जाती हुई लेग साइड पे इंपर के सर वाइट का, यहां पे देखना होगा, सीधा गई थी
रन विकेट के ऊपर, लेकिन समझ नहीं पाए। एक ही रन लिया है, यहां पे स्कोर हुआ 20 रन हो चुका। अभी भी चाहिए जीतने के लिए 22 रन, और 4 गेंद हो चुकी, 2 गेंद बाकी है, 8 गेंद 22 रन जुए जीतवा माटे। स्ट्राइक पे है क्रिस, किरण आया है, फिर लास्ट गेंद बाकी है, देखना होगा कितना रन आते हैं इस लास्ट गेंद पे लान के ऊपर। यहां पे स्कोर हो चुका है 21 रन, काफी बाहर बॉल, वाइट का इशारा, यहां पर तारा मंडम लोग गेंद गई 6 रन के लिए। स्कोर बना 28 रन, जीतने के लिए चाहिए 14 रन। यहां पे जीतने के लिए चाहिए 14 रन, स्कोर बना 28, 6 गेंद 14 रन, ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ 28 28, सिंगल और सिंगल, स्कोर हुआ 28, वही वाइट है भाई, 28 रन बनाए, लाइव देख रहा है सभी दर्शक देख ले इसमें, जल्द से जल्द शुरुआत करें मैच की। स्कोर बोला 28 रन, जीतने के लिए चाहिए 14 रन। यहां पे धर्मेश ने बॉलिंग डाला है, देखना होगा 4 रन जाती हुई सीमा रेखा बाहर, 5 बॉल 10 रन जुए जीतवा माटे। खारी बार को निवेदन है, अपना फैसला सुनाए, जो भी फैसला हो जल्द से जल्द इधर भेजे। यहां पे देखना होगा नौ बॉल का इशारा, नौ बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, ये फ्री हिट रहेगी, ये बोनस है। इसी गेंदबाज करेगा तो रन जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले गेंद पे चक्का जड़ दिया और दूसरा नौ बॉल, ये भी दो रन आए हैं, तो स्कोर बना
एक गेंद पे 6 रन, यहाँ पे 5 गेंद और इसको रन चाहिए 8। ये आप देखना होगा ये कैच होते कि नहीं, ये तो फ्री है इसको मालूम है, ये रूल्स है इस टूर्नामेंट का। नौ बॉल गेंद रहेगी तो फ्री रहेगी। यहां पे 2 गेंद हो चुकी और ऐसे 4 गेंद बची इस ओवर की। स्ट्राइक पे है क्रिस, क्रिस की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। तीसरी गेंद यहां पे पुलटोस गेंद, यहां पे 1 ही रन लिए है। तीन गेंद 6 रन, यहां पे जीतने के लिए चाहिए 3 गेंद 6 रन इस ओवर की चौथी के लगे दरमेश। यहां पे पैर के लगे गई लगता उसके मना किया है रन आउट का चांस था। 2 गेंद 6 रन, काफी रोमांचक मुकाबला हो चुका है। इस ओवर की 5वीं गेंद रन आउट का चांस देखना होगा एम्पायर द्वारा आउट का इशारा। यहाँ पे कुछ कहना जाता जब तक मैच खत्म नहीं हुई तक कुछ कहना जाता मैच में, क्योंकि एक बॉल जुए 5 रन। सिर्फ एक गेंद फेंकनी होगी और जीतने के लिए चाहिए 5 रन, तय छक्के की जरूरत। क्योंकि ट्राई होगी तो कंपलसरी चेस करना पड़ेगा, 42 का लक्ष्य है। 4 रन मारेगा तो जाएगी बावरी की ओर के पक्ष में और छक्का लगाएगा तो जाएगी खारी बार के पक्ष में। काफी रोमांचक मुकाबला, एक गेंद 5 रन। यहां पे इतनी अच्छी बॉलिंग धर्मेश द्वारा पकड़ लिया मैच को। खारी बार भी को नंबर में देख अपना फैसला सुनाकर जल्द से जल्द जाए जल्द बिल्कुल दिल्ली की सजावट करो जल्द से जल्द।